साथियों नमस्कार। बिना ज्ञान लिए, बिना काम सीखे, बिना संघर्ष किए कोई भी एक व्यक्ति जीवन में विकास नहीं कर पाता, यह कटु सत्य है। हाँ, कुछ ही परसेंट हैं जो भगवान कहिए उनको या ऊपर वाले की मेहर कहिए कि वो ऑलरेडी बड़े घर में पैदा हो जाते हैं और बड़े घर में पैदा होने से ऑलरेडी बड़े ही होते हैं जन्मजात। बट जो लोग मिडिल क्लास फैमिली में हैं या बहुत गरीब घर से हैं, उनको उठने में बड़ी मशक्कत का संभावना होती है। इसलिए ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, खुद को कामयाब बनाना, खुद को एक लेवल पे ले जाना इतना असंभव भी नहीं है, अगर इंसान दिल से चाह ले तो। मैं आपको गारमेंट इंडस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट की SOP बहुत बखूबी समझाऊंगा, जिसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीन पे अटैच करूंगा और उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका अनुकरण भी करेंगे। क्योंकि बिना कामयाब होने के लिए, बिना काम सीखे कोई कामयाब नहीं होता। काम जानना जरूरी है, सिस्टम जानना जरूरी है, मैनेजमेंट जानना जरूरी है। अगर बड़े लेवल पे जाना है, बड़ी कामयाबी अर्जित करनी है और बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो अपने माइनस पॉइंट को हमें अच्छी तरह से भरना होगा, ठीक करना होगा। जिसके लिए ये किताबें, ये वीडियो, ये बड़े लोगों का संपर्क और ये कामयाब लोगों का संपर्क, उनकी आदतों के बारे में पढ़ना, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानना, ये नितांत आवश्यक। अगर हम एक काम कर रहे हैं और उसी को बस जितना कर रहे हैं उसी लिमिटेशन में घूमते रहे, तो डेफिनेटली हम आगे के लेवल पे नहीं जा सकते। आगे के लेवल पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस उक्त पोस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने की जरूरत। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों इस टीचिंग की SOP के बारे में बखूबी समझाया था और आप लोगों ने बड़ी सराहना भी करी, आज हम आपको फैब्रिक के SOP के बारे में बताएंगे और इसे हम स्क्रीन पे अटैच भी करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार पढ़ना, ताकि आप फैब्रिक की SOP के बारे में अच्छी तरह से जान जाओ। तो पहला SOP क्या है? SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आइए साथियों, रिक्वायर्ड फैब्रिक को सप्लायर से रिसीव होने के पश्चात उसे वेयर हाउस में तरीके से स्टाइल वाइज रखना है। पहला रिक्वायरमेंट कि रिक्वायर्ड फैब्रिक को सप्लायर से रिसीव होने के बाद उसे वेयर हाउस में, यानी जहां पे कपड़ा आप रखते हैं उस वेयर हाउस में तरीके से स्टाइल वाइज रखना। फैब्रिक रिसीव होने के पश्चात उसे इनवॉइस से फैब्रिक के जनरल मिलान करना जरूरी है कि कौन सा फैब्रिक है और चालान में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद रिकॉर्ड फैब्रिक के विड्थ और श्रिंकेज की जांच करना है। 100% रिसीव फैब्रिक की चेकिंग 4-point सिस्टम के अनुसार होगी, जो कि फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। फैब्रिक चेकिंग में हमेशा 4-point सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बायर की आवश्यकता के अनुसार फैब्रिक का लैब टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट जो आए उसे मैनेजमेंट को सबमिट करें। अप्रूव्ड फैब्रिक स्वाच के अनुसार फैब्रिक की सेड की जांच करें, सेड मतलब कलर की जांच करें। 100% फैब्रिक का सेड सेग्रीगेशन कलर कैबिनेट मशीन के द्वारा होना जरूरी है। सेड के अकॉर्डिंग फैब्रिक का लॉट पार्ट बनाएं और उसे अप्रूव्ड फैब्रिक स्वाच से
मैच करें, अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट को भेजें। आगे बढ़ते हैं साथियों, टोटल फैब्रिक का 10% फैब्रिक जीएसएम की जांच करना आवश्यक है। जीएसएम यानी ग्रामेज पर स्क्वायर मीटर। फैब्रिक को ग्रीन, येलो और रेड की मार्किंग के अनुसार रखना जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया था, पास फैब्रिक यानी कि ग्रीन, यानी रिजेक्ट फैब्रिक यानी कि रेड, येलो यानी कि चेकिंग के लिए बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेम प्लेट के अनुसार ग्रीन, येलो और रेड फैब्रिक को सेग्रीगेट करना है, सजा के रखना है। फैब्रिक के रिक्वायरमेंट के अनुसार फैब्रिक का रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अभी कल ही मैंने रिलैक्सेशन या एसओपी के बारे में बहुत बखूबी जानकारी दी कि फैब्रिक रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है रिलैक्स करने का। आगे बढ़ते हैं साथियों, पास फैब्रिक को कलर वाइज, लॉट वाइज कटिंग डिपार्टमेंट में चालान के थ्रू भेजा जाना चाहिए। प्रॉपर रिपोर्टिंग के लिए अपनी रिपोर्टिंग को अपने एचओडी से क्रॉस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। अब ये मैं जो भी बातें बताया हूं मैं स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा और उसे आप अच्छी तरह से एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार देखेंगे, आपको नॉलेज बढ़ेगी। और मैं वादा करता हूं कि बाकी जितने भी बैलेंस डिपार्टमेंट हैं सबकी एसओपी मैं एक एक करके स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा, उसे आप पढ़िए और खुद को स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि बिना कामयाब होने के लिए, बिना जानकारी के, अगर आप सोचते हैं कि मैं बिना जानकारी किए और आगे बढ़ जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, आपको रिक्वायरमेंट जो भी है वो चीजें सीखने की जरूरत है। और सीखने के तीन माध्यम है, इंस्टीट्यूट यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं भारत में, यानी कि YouTube वीडियो, यानी कि पुस्तकें, यानी कि किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में आकर उससे सीखना। तो मैं समझता हूँ YouTube से ज़्यादा सरल और कुछ नहीं लगा, जो कि आपके पैसे भी नहीं लगते और ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से YouTube पे एक एक चीज़ सीख सकते हैं। वैसे तो इंस्टीट्यूट का अपना महत्व होता है, पुस्तक का अपना महत्व होता है, और किसी वैल्यूएबल आदमी के संपर्क में रहना उसका अपना महत्व होता है, मगर YouTube थोड़ा सरल और कम खर्चे का है, इसलिए आप इससे भी बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। थैंक यू साथियों, बाय बाय।